Hello everyone. So in this lesson, we will be discussing about the topic, the Meena Brook perspective. ये आपका unit 2 जो है net syllabus का, उसमें एक topic mentioned है. So in the last lesson, we discussed about the views and contribution of Dwight Waldo to the field of public administration. और उनकी वो जो views थे, उनके contribution थे, उसमें से एक contribution है new public administration. So उसको हम डिटेल में जो है कवर करेंगे इस वीडियो में, इस लेसन के अंदर. उस वीडियो में से पहले वाले लेसन में हमने उनको उसको इतना डिटेल में कवर नहीं किया था. बट द मीना ब्रुक पर्सपेक्टिव इज मच मोर देन द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो वी ऑल नो कि जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ, इट वॉज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट मीना ब्रुक कॉन्फ्रेंस, राइट. बट वेन वी आर सेइंग द मीना ब्रुक पर्सपेक्टिव, इसका मतलब है कि हमें अपनी स्टडी को, अपने नॉलेज को सिर्फ एनपीए तक जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखना है. उसके बाद जो और कॉन्फ्रेंसेज हुई, यानी कि जो मीना ब्रुक 2 कॉन्फ्रेंस हुई और जो मीना ब्रुक 3 कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए. सो तीन कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, 1, 2 and 3 एट अ प्लेस कॉल्ड मीना ब्रुक कॉन्फ्रेंस सेंटर. तो उन तीनों कॉन्फ्रेंसेज के बारे में हम स्टडी करेंगे, जानेंगे इस लेक्चर के अंदर, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो टू मेक दिस लेसन मोर इंटरेस्टिंग, आई हैव एडेड अ फ्यू पिक्चर्स ऑफ द मीना ब्रुक कॉन्फ्रेंस सेंटर. नाउ लेट अस स्टार्ट विद कि मीना ब्रुक है क्या. ओके, सो व्हाट इज दिस मीना ब्रुक. सो देयर इज अ यूनिवर्सिटी कॉल्ड सायराक्यूज यूनिवर्सिटी. लेट मी राइट इट फॉर यू ओवर हियर, सायराक्यूज यूनिवर्सिटी. ओके, तो ये एक यूनिवर्सिटी है इन न्यूयॉर्क यूएसए. उसी यूनिवर्सिटी का एक कॉन्फ्रेंस सेंटर है जो कि वहीं पे लोकेटेड नहीं है, थोड़ा सा दूर लोकेटेड है, एट अ वेरी गुड लोकेशन, ठीक है. तो उस कॉन्फ्रेंस सेंटर का नाम है मीना ब्रुक कॉन्फ्रेंस सेंटर. बहुत अच्छी सी लोकेशन है, जैसे हम हिल स्टेशन पे देखते हैं, रिजॉर्ट्स देखते हैं, उस तरीके का जो है ये कॉन्फ्रेंस सेंटर बना हुआ है. एक टिपिकल कॉन्फ्रेंस सेंटर जैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट एक रिजॉर्ट वाली जो है इसकी फील है. वहां पे माउंटेन्स हैं, देयर इज अ ब्यूटीफुल लेक, ठीक है, और वुडलैंड टाइप का जो है टोपोग्राफी है. उस तरीके से एक कॉन्फ्रेंस सेंटर है जहाँ पे कुछ कॉन्फ्रेंसेज हुई, ठीक है. तो ये है मीना ब्रुक. तो सायराक्यूज यूनिवर्सिटी का एक कॉन्फ्रेंस सेंटर है विच इज कॉल्ड मीना ब्रुक कॉन्फ्रेंस सेंटर. वहाँ पर ये जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्फ्रेंसेज हुई. तीन कॉन्फ्रेंसेज जो मेन हैं उनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे. और भी जो वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज या मीट्स हैं वो होती रहती हैं, लेकिन हम जो मेन कॉन्फ्रेंसेज जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे. तो ठीक है, तो आपको कुछ कुछ पिक्चर्स जो है पूरी स्लाइड में वहां की दिखती रहेंगी. नाउ सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि तीन कॉन्फ्रेंसेस हैं, कॉन्फ्रेंस 1, कॉन्फ्रेंस 2, कॉन्फ्रेंस 3. सो वी विल बी स्टडिंग दीज 3. यहाँ पे अगेन आई हैव अटैच्ड अ पिक्चर. सो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक टिपिकल कॉन्फ्रेंस सेंटर जैसा जो है इसका लुक नहीं रहता है. एक बहुत सुंदर सा, जैसे कोई हॉलीडे पे आप गए हो वैसा इसका जो है लुक रहता है. क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम ऐसी लोकेशन, ऐसी सेटिंग देंगे तो द अटेंडीज विल बी एबल टू यू नो रिलैक्स, और उनके लिए ईजी हो जाएगा आपस में घुलना मिलना. सो दिस वॉज द थिंकिंग बिहाइंड कि इस कॉन्फ्रेंस सेंटर को यहाँ पर ऐसा क्यों बनाया गया. मोरोवर 1988 में ये जो कॉन्फ्रेंस सेंटर था, इट गॉट बर्न्ड, वहाँ पे आग लग गई थी और वो जल गया था. तो ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं ये रिवाइव्ड कॉन्फ्रेंस सेंटर की है. उसको दोबारा बनाया गया, पहले जैसा पहला था उसी के इंस्पायर होकर, उसी आर्किटेक्चर से इंस्पायर होकर, लेकिन थोड़ा सा वुड फायर रेजिस्टेंट बनाकर उस बिल्डिंग को, उस रिजॉर्ट को, ये जो कॉन्फ्रेंस सेंटर को बनाया गया. और उसी के जो पिक्चर्स हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, राइट. सो अब प्रॉपर जो हमारा टॉपिक है उस पर वापस आते हैं. लेट अस स्टार्ट विद मीना ब्रुक कॉन्फ्रेंस 1, जिसका एक मेजर रिजल्ट जो है दैट इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. उसको भी हम यहाँ देखेंगे. ओके, सो नाउ मीना ब्रुक कॉन्फ्रेंस 1 जो है इट वॉज हेल्ड इन 1968 सेप्टेम्बर के मंथ में जो है कंडक्टेड हुई थी. तो ऐसा क्या हुआ, वॉट डिड हैपन, ऐसा क्या हुआ कि ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस रखी गई, ठीक है. तो क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये कॉन्फ्रेंस आई. फर्स्ट है कि 1960s, एज वी सी दैट 1968 में कॉन्फ्रेंस हुई थी. 1960s का जो टाइम था, दिस वर वेरी टर्बुलेंट टाइम्स, बहुत डिस्टर्बिंग टाइम्स थे, क्योटिक टाइम्स थे, कन्फ्यूजन वाले टाइम्स थे. बहुत कुछ जो है इस बैकग्राउंड में चल रहा था, जैसे कि वियतनाम वॉर वॉज हैपनिंग. तो वॉर वियतनाम का था, लेकिन उसमें अमेरिका ने ओवर इंडल्ज किया. यू नो अमेरिकन की टेंडेंसी रहती है, अगर आप थोड़ा से भी अवेयर होंगे, कि वो वॉर्स में खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है. तो एक पब्लिक के बीच में गुस्सा आता है कि अपने
खुद के सिटीजन्स पे आप ध्यान ना देकर बाहर ओवर इंडल्ज हो रहे हो, तो वियतनाम वॉर के अंदर अमेरिका ने ओवर इंडल्ज किया, अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन मूवमेंट वहां पे चल रही थी, फिर एक जॉन एफ कैनेडी थे उनकी असासिनेशन, उनका मर्डर हो चुका था, ठीक है, अर्ली 1962-63 की बात हो रही है, देन मार्टिन लूथर किंग जूनियर उनका भी जो है मर्डर हो गए थे 1968, देन अर्बन राइट्स वर हैपनिंग, दंगे फसाद हो रहे थे, तो एक बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट टाइम था अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर 1960s का, उसको वॉर टाइम से भी कंपेयर किया जाता है, ऑल दो वहाँ पर कोई एक ऑफिशियल कोई वॉर नहीं हो रहा था, बट इट इज़ रेफर्ड टू एज वॉर टाइम्स, ठीक है, एक बिल्कुल जैसे वॉर के टाइम में एक जो एटमोसफियर होता है दैट वॉज प्रेवलेंट इन 1960s, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी द एडमिनिस्ट्रेशन फेल्ड टू रिस्पॉन्ड एक्यूरेटली टू दिस प्रॉब्लम्स, राइट, तो एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम होता है गवर्नेंस को चलाना, लेकिन इतना कुछ हो रहा था वहाँ पे, मर्डर्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल जो है राइट्स हो रहे हैं, अर्बन राइट्स हो रहे हैं, ठीक है, एथनिक लोगों के ऊपर जो है अटैक किया जा रहा है, वॉर में ओवर इंडल्ज हो रहा है, पर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर ही नहीं पा रही, और थोड़ा बहुत कर रही है तो दैट इज़ नॉट एक्यूरेट, दैट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है, तो वो इनको जिसको जो रिस्पॉन्स था या तो वो रिस्पॉन्सिव थे ही नहीं एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर जिसको रिस्पॉन्स था बहुत ज़्यादा खराब था, ठीक है, और जो उस टाइम पर जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर्स थे उनका कहना था कि हमारे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है, राइट, तो उस टाइम पर जो यंग स्कॉलर्स थे, ठीक है, जैसे जो आप जैसे जो लोग हैं जो यंग हैं, जैसे आप और मैं हो गए वी कम इन यंग स्कॉलर्स, राइट, जो यंग स्कॉलर्स थे दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड एजिटेटेड कि अगर ये लोग ऐसे बोल रहे तो कौन एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के तो काम है सब कुछ संभालना, तो अगर इनका खुद का ऐसा रिस्पॉन्स है तो किसकी ड्यूटी है इन ऐसे टाइम्स में कोप अप करना, राइट, तो दे गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड, तो एक रीजन तो ये हो गया, दूसरा कहता देयर वॉज जनरेशन गैप, ठीक है, यही एक टाइम था बाई चांस हम कह सकते हैं एक टाइम था जिसमें न्यू स्कॉलर्स जो हैं काफ़ी सारे पॉल साइंस वगैरह में एमर्ज कर रहे थे, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में न्यू स्कॉलर्स एमर्ज करते हैं, इससे पहले तो कॉन्फ्रेंसेस भी हुई थी जिनको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, हनी की एक रिपोर्ट आई थी और एक फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस आई थी जिन्होंने डील किया था, जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की थी, तो उसमें भी जो थे कुछ यंग स्कॉलर्स जो थे इन्वॉल्व थे, तो कॉन्फ्रेंसेस से वो कुछ जो है इकट्ठे हो गए, तो एक सामने आए स्कॉलर्स, एक ऐसा टाइम था जब काफी सारे यंग स्कॉलर्स जो है सामने आए थे, न्यू जनरेशन ऑफ स्कॉलर्स केम, एंड इस जनरेशन के बीच में और जो ट्रेडिशनल जो स्कॉलर्स थे जो काफी एल्डरली थे उनके बीच में एक जनरेशन गैप देखा गया, जनरेशन गैप क्यों देखा गया, एक तो उनकी एज की डिफरेंट थी और एक उनके व्यूज भी जो थे काफी डिफरेंट थे, राइट, दीज वर दे वर फ्रस्ट्रेटेड कि एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रहा है, क्या फायदा इतनी थ्योरीज देने का अगर आप लोग इतने मुश्किल हालातों में सिचुएशंस को संभाल नहीं सकते, हैंडल नहीं कर सकते, राइट, तो एक जनरेशन गैप वॉज देयर, तो सितंबर में क्या हुआ, इन सितंबर 1968 33 यंग स्कॉलर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ ड्वाइट वाल्डो जिनके बारे में पढ़ चुके हैं गैदर्ड एट द मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस सेंटर ऑफ सायराक्यूज यूनिवर्सिटी एंड चैलेंज द ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऐसे ही 1968 के अंदर सितंबर में 33 यंग स्कॉलर्स जो हैं ड्वाइट वाल्डो की लीडरशिप के अंडर मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस सेंटर पे इकट्ठा हुआ और उन्होंने चैलेंज किया कि जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये सही नहीं है, ये कुछ काम की नहीं है, इट दे चैलेंज एंड द कंसेप्ट ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बॉर्न फ्रॉम हेयर, राइट, तो अब हम यहाँ पे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तो ये बैकग्राउंड हो गया सारा कि कॉन्फ्रेंस हुई किन हालातों के अंदर हुई, कौन उनको लीड कर रहे थे, कितने स्कॉलर्स थे और क्या इसका मेजर रिजल्ट रहा जो कि है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये तो एक मेन कॉन्फ्रेंस के बारे में हो गया। अब अगर हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसके अलावा कुछ और लैंडमार्क्स भी हैं जिन्होंने काम किया इन द यू नो गिविंग राइज टू न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो और कौन कौन से लैंडमार्क्स थे या फिर हम कहते हैं कि मेजर यू नो स्टोन्स थे जिनके थ्रू न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमर्ज हुई, तो ये कुछ लैंडमार्क्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी है जो आ जाता है क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए यहाँ से पूछा जाता है, तो सबसे पहले एज आई टोल्ड यू हनी रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन फॉर पब्लिक सर्विस केम इन 1967 यूएसए, राइट, तो एक ये टर्बुलेंट टाइम्स की कोई बात नहीं कर रही थी ये रिपोर्ट, एक जनरल हायर एजुकेशन फॉर पब्लिक सर्विस में बात कर रही थी, एक जनरल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन के ऊपर बात कर रही थी, और इसने इस रिपोर्ट ने कुछ इशूज आइडेंटिफाई किए दैट वॉट आर द इशूज प्रिविलेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, और अगर वो इश्यूज जो हम नॉर्मली देखते हैं कि प्रॉपर यूनिवर्सिटीज नहीं है, देर इज गैप बिटवीन अकेडमिक्स एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऐसे कुछ इश्यूज जो हैं इसमें से निकल कर आए। सेकेंड वॉज द फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस इन थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
It was also held in 1967 USA and it was being headed by James C. Charlesworth. So यहाँ से objective question बन सकता है that who was heading the Philadelphia Conference. So it was James C. Charlesworth, right? Then an article was published by Dwight Waldo in 1968, which was public administration in a time of revolutions. Okay, please note that this is in a time of revolutions and not in a time of turbulence. एक टर्बुलेंस के नाम से भी जो है आर्टिकल है वो बाद में पब्लिश हुआ था, रेवोल्यूशंस वाला जो आर्टिकल है वो पहले पब्लिश हुआ था. क्रोनोलॉजी में अगर आ जाए तो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है. तो ये ड्वाइट वाल्डो का आर्टिकल था 1968. तो ये तीन चीजें तो हमारी मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस से पहले ही हो गए. फिर सेंटर में मिडल में आता है हमारा मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 में हुई. उसके बाद था पब्लिकेशन ऑफ टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मीनोब्रुक पर्सपेक्टिव एडिटेड बाय फ्रैंक मैरिनी, ठीक है. तो बेसिकली जो थी ये रिपोर्ट ही थी, ये जितना कुछ भी जो कॉन्फ्रेंस में हुआ, मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में हुआ, उसकी प्रोसीडिंग्स को कंपाइल करा और एडिट किया किसने, फ्रैंक मैरिनी ने, जिसका नाम था टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मीनोब्रुक पर्सपेक्टिव एंड दिस केम इन 1971. देन एक और जो पब्लिकेशन थी, इट वॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस, अगेन बाय ड्वाइट वाल्डो इन 1971. And there was a book by George Fredrickson which was called New Public Administration and it was published in 1980, right? तो ऐसे एक तरीके से evolution हुआ New Public Administration का, या फिर development हुई New Public Administration की. Question यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है. Now coming to what were the goals of New Public Administration? तो New Public Administration क्या कह रहा था? Basically five things were there. Okay, five points were there. Number one, public administration should be relevant. Okay. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो है जो समय पर काम आए. अगर प्रॉब्लम हो रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन पर कोप अप कर सके, राइट. तो जैसे हमने बैकग्राउंड देखा कि वॉर हो रहा है, यू नो मर्डर्स हो रहे हैं, एक टर्बुलेंट जो है सिनेरियो है एंड द एडमिनिस्ट्रेशन फेल टू कोप अप ओवर देयर, तो दैट मीन्स दैट इट वॉज नॉट रेलिवेंट. हम हमेशा एफिशिएंसी जो है क्लासिकल थिंकर्स कर रहे थे, बट उस एफिशिएंसी का फायदा ही क्या हुआ अगर आप जो प्रॉब्लम्स हैं एट हैंड उसको आप हैंडल नहीं कर सकते. तो इट शुड बी रेलिवेंट. ओके, नेक्स्ट इज वैल्यूज. तो वी सी जब हमने अलग अलग थियोरीज की कि मोस्ट ऑफ द थियोरीज जो है वो वैल्यूज को इग्नोर करती है. ओके, देर इज नो प्लेस फॉर वैल्यूज. साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात हो रही है, बिहेवियरल थियोरी की बात हो रही है, इवन हर्बर्ट साइमन ने कहा कि फैक्ट और एलिमेंट और वैल्यू एलिमेंट्स को अलग अलग करना चाहिए. अगर आप चाहते हो कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को साइंटिफिक बनाओ तो यू शुड फोकस ऑन फैक्ट्स. तो अभी तक ये बोला जा रहा था, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात हो रही है, एंड जहाँ पे साइंस की बात होती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट या साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, द फोकस वॉज ऑलवेज ऑन फैक्ट्स. बट इन्होंने कहा कि सिर्फ फैक्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वैल्यूज शुड ऑल्सो बी गिवन ड्यू इम्पॉर्टेंस. वैल्यूज आर इम्पॉर्टेंट, तो आप वैल्यूज को भी इंक्लूड करो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, राइट. सो वैल्यूज पे इन्होंने बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेस दिया. नंबर थ्री इज सोशल इक्विटी. सोशल इक्विटी का मतलब है कि जो आपके मार्जिनलाइज लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनको भी ध्यान रखें. जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं दे शुड बी चैंपियंस, ये कहा गया है, पब्लिक सर्वेंट्स द ब्यूरोक्रेट्स शुड बी चैंपियंस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड एंड द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस. ओके, सो नाउ माइंड यू दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी, ठीक है. तो जो हमने फेयर के जो 14 प्रिंसिपल्स किए थे उसमें से एक प्रिंसिपल इक्विटी भी था. तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस क्या है इक्विटी के बीच में एंड इक्वालिटी के बीच में, वहां पे प्रॉपर मैंने आपको इमेज से समझाया हुआ है, ठीक है. इक्वालिटी इज ऑलवेज बिटवीन इक्वल्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई रेस कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, तो इक्वालिटी क्या होगा कि सबका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम हो, ठीक है. लेकिन अगर कोई पहले से ही पिछड़ा हुआ है, ठीक है, अगर आप कोई रेस करवा रहे हो, समवन इज स्टैंडिंग ओवर हेयर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस डायरेक्शन में रेस करना है, तो ये कोई इक्वालिटी वाली बात तो नहीं हुई. तो आपको रेस करवाने के लिए, एक हेल्दी कंपटीशन करवाने के लिए, जो पहले से ऑलरेडी पीछे हैं उन्हें स्टार्टिंग लाइन पे तो लाना पड़ेगा. तो दैट इज एन इक्विटी मेजर. फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशंस इन इंडिया, राइट. तो हिस्टोरिकली या किसी भी कारण से जो कुछ हमारी सोसाइटी में सेक्शंस हैं विच आर नॉट प्रिवलेज और विच आर अंडर प्रिवलेज, विच आर मार्जिनलाइज, तो उनको एक इक्विटी मेजर देने के लिए, उनको एक स्टार्टिंग पॉइंट पे लाने के लिए, बराबरी पे लाने के लिए, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन. तो एक इक्विटी मेजर है, राइट. तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से देयर शुड बी सोशल इक्विटी. गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट करने चाहिए इक्विटी मेजर्स. ओके, सो दैट इज वेयर वैल्यूज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है. तो ऐसा नहीं कि कोई भी चीज आई अपने उसको बांट दिया, देखो कि सामने वाले का बैकग्राउंड क्या है, किसी को हो सकता है ज्यादा जरूरत हो, किसी को हो सकता है स्पेशल प्रोविजंस की जरूरत हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट इज चेंज.
चेंज ओरिएंटेड होनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो उन्हें चेंज लाना चाहिए, उनको चेंज फैसिलिटेट करना चाहिए. ओके, बिकॉज वी नो दैट चेंज इज इनएविटेबल. अगर हम वक्त के साथ जो डिमांड्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट की, उसको देखते हुए अपने आप को मोल्ड कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, तो देन ओनली वी कैन सर्वाइव. ओके, सो सिचुएशंस के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन शुड चेंज एंड इट शुड हेल्प इन ब्रिंगिंग अप द रिक्वायर्ड चेंजेस. लास्ट इज क्लाइंट फोकस, कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम प्रोवाइड करना नहीं है, बट ये भी देखो कि क्लाइंट्स को, सिटीजन्स को, कस्टमर्स को चाहिए क्या, व्हाट आर दे आस्किंग फॉर. आप एफिशिएंसी एफिशिएंसी कर रहे हो, पर लोगों को एफिशिएंसी नहीं चाहिए, हो सकता है उनको सिक्योरिटी चाहिए भाई उस टाइम में, राइट. सो व्हाट द सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी ऑन क्लाइंट, उनका जो सेंट्रल फोकस है इट शुड बी ऑन द क्लाइंट. व्हाट डू द क्लाइंट्स, क्लाइंट्स यहाँ पे सिटीजन्स के लिए हम यूज कर रहे हैं, कि उनको क्या चाहिए, व्हाट दे डू वॉन्ट. और उसके लिए जरूरी है कि आप क्लाइंट्स को पार्टिसिपेट करने का मौका दो, आप उनको बोलने का मौका दो, आप उनसे पूछो कि हाँ व्हाट डू यू नीड, व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स, व्हाट कैन वी डू फॉर यू, राइट, व्हाट आर इज गुड फॉर यू. आप उनसे फीडबैक लीजिए एंड दैट मीन्स यहाँ पे पार्टिसिपेशन की भी जो बात है, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन को भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर सपोर्टिंग डेमोक्रेसी. सो दीज आर द फाइव बेसिक फीचर्स कह लीजिए ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. राइट, नाउ अनदर पॉइंट आई हैव मेंशनड ओवर हियर इज दैट न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रेफर्ड टू अस सेकेंड जनरेशन बिहेवियरलिज्म बाय फ्रेडरिकसन. तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में, दो तरीके से आ सकता है. पहली बात तो है आपको पूछा जाए कि एनपीए को सेकेंड जनरेशन बिहेवियरिज्म किसने कहा, तो आंसर वुड बी फ्रेडरिकसन. और एक हो सकता है कि सेकेंड जनरेशन बिहेवियरिज्म किसके लिए रेफर किया गया था, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ऑप्शंस में आ जाएगा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस एक्सेट्रा, राइट. ऐसे आपको भी क्वेश्चन आ सकता है. नाउ बिकॉज राइट नाउ यू स्टडिंग द टॉपिक, तो आपको लगेगा ये तो बहुत ईजी है, बट जब आप पूरा सिलेबस कर लेते हैं तो हो सकता है आपको एंड में याद ना रहे कि ये था तो सही, पर ये एनपीए के लिए था कि एनपीएम के लिए था, किसी और के लिए था, राइट. सो कीप रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स. सो यहाँ से भी एक जो है क्वेश्चन आपका बनता है, राइट. सो दीज वर द मेन गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. आप डिफरेंट बुक्स में देखेंगे इन्हीं को अलग अलग तरीके से अलग अलग थिंकर्स ने जो है अपने वर्ड्स में कहा है, बट दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ वी ऑल्सो हैव एंटी गोल्स. तो तीन एंटी गोल्स भी दिए हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाय रॉबर्ट टी गोलंबिस्की. रॉबर्ट टी गोलंबिस्की ने एंटी गोल्स दिए हैं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी गोल्स. तो देखो गोल्स क्या होता है, जिसकी तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं. ओके, जो जिसकी तरफ हम मूव करते हैं, जो हमारा एम होता है, राइट. सो फॉर एग्जांपल यू वांट टू क्लियर नेट और जीआरएफ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो आपका वो गोल हो गया, या कुछ और भी आपको जो है गोल हो सकता है. एंटी गोल क्या होता है, जो जिसकी तरफ आप कभी नहीं जाओगे. ओके, विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन. सो एंटी गोल इज समथिंग विच इज बींग रिजेक्टेड. तो यहाँ पे एंटी गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है वॉट न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिजेक्ट्स. ये किसको जो है रिजेक्ट करती है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो मतलब ये तो पक्का यहाँ तो बिल्कुल नहीं जाना है. ओके, ये हमारे सेंटर में एनपीए है, गोल्स हमने कर लिए, जिसकी तरफ ये मूव कर रही है, जो उसके एम है. एंटी गोल्स इस तरफ लाई करते हैं, मतलब यहाँ से वो दूर भाग रही है, इन चीज़ों से दूर भागती है, इनको रिजेक्ट करती है. तो तीन हमारे जो है एंटी गोल्स है. नंबर वन, एंटी पॉजिटिविस्ट. सो इट रिजेक्ट्स पॉजिटिविज्म. नाउ व्हाट इज पॉजिटिविज्म, व्हेन वी टॉक अबाउट साइंटिफिक फैक्ट्स, व्हेन वी गिव वैल्यू टू फैक्ट्स. ओके, जब हम एम्पिरिसिज्म की बात करते हैं, जैसे कि हमने हर्बर्ट साइमन में पढ़ा कि उन्होंने लॉजिकल पॉजिटिविज्म थ्योरी जो है फॉलो की थी, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट अप्रोच जो है उन्होंने फॉलो की थी. मतलब कहता है कि उन्होंने सारा ध्यान अपने फैक्ट्स के ऊपर रखा था, साइंटिफिक अप्रोच, इसको हम अगर मैं ईजी टर्म्स में बोलूँ तो उसके ऊपर उनका ध्यान था. अभी यहाँ पे एंटी पॉजिटिविस्ट है, मतलब सारे का सारा ध्यान फैक्ट्स पे नहीं है, बिकॉज वी नो कि इनका जो गोल था वो कहता है वैल्यूज. वैल्यूज इनका एक बहुत मेजर गोल है, मतलब ये सारा ध्यान साइंस के ऊपर नहीं दे रहे, सोशल साइंस पे भी इनका ध्यान है, राइट. सो दे आर गिविंग वैल्यू, दे आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू वैल्यूज. तो एंटी पॉजिटिविस्ट मतलब एंटी एम्पिरिकल या फिर एंटी साइंटिफिक. ओके, मतलब सारा को सारे फैक्ट्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, देर आर वैल्यूज ऑल्सो. नंबर टू, एंटी टेक्निकल. ओके, तो ये भी साइंटिफिक से हम रिलेट कर सकते हैं कि टेक्निकल से
अपोजिट जा रहा है. ओके, सो इनका एंटी गोल क्या है, एंटी टेक्निकल, मतलब ये टेक्निक्स के अगेंस्ट है, क्योंकि इतनी टेक्निक्स हमने कर ली थी, क्लासिकल थिंकर्स ने इतनी टेक्निक्स दे ली थी, पर अल्टीमेटली वो काम तो नहीं आए ना. द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नॉट एबल टू कोप इफेक्टिवली विद द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ दोज टाइम्स, राइट. तो एंटी टेक्निकल जो था इनका एक एंटी गोल था. ठीक है, एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना. एंटी गोल्स जो है ना, तो किसके किसको रिजेक्ट कर रहे हैं, वो इन चीजों को रिजेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, एंटी पॉजिटिविस्ट, तो इट वॉज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एंटी पॉजिटिविस्ट, मतलब वो रिजेक्ट किसको कर रहा था, पॉजिटिविज्म को, राइट. सिमिलरली न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एंटी टेक्निकल, मतलब वो टेक्निकल होने को क्या था, रिजेक्ट कर रहा था. सिमिलरली थर्ड है एंटी ब्यूरोक्रेटिक, मतलब वो ब्यूरोक्रेसी को जो है रिजेक्ट कर रहा था, हायरार्की को जो है वो रिजेक्ट कर रहा था. उनका कहना था, यहाँ पे एक टर्म आती है विच इज कटबैक मैनेजमेंट, कटबैक मैनेजमेंट. नाउ कटबैक मैनेजमेंट मीन्स कि अगर आपको लगता है ऐसा टाइम है कि ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट में, तो उनको कम कर लो. ठीक है, तो अगर जरूरत ज्यादा हो जाए, इफ द नीड कम्स, नीड अराइजेस, तो आप ब्यूरोक्रेसी की स्ट्रेंथ है बढ़ा दीजिए, एंड इफ द नीड इज नॉट देयर, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो ब्यूरोक्रेसी की स्ट्रेंथ जो है वो कम करी जाए, जो गवर्नमेंट है थोड़ी सी श्रिंक हो जाए. दिस इज कॉल्ड कटबैक मैनेजमेंट. सो दीज आर थ्री एंटी गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. आई होप दीज आर वेरी क्लियर टू यू. राइट, नाउ लेट अस ऑल्सो टॉक अबाउट क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. वैसे अभी तक ज्यादा पूछी नहीं गई है, बट यू शुड नो. सो एक तो इन्होंने जिनके एंटी गोल्स थे उन्हीं को कहकर यहाँ पर क्रिटिसाइज कर दिया कि एंटी पॉजिटिविस्ट है या फिर एंटी साइंटिफिक है, ये इसी को जो है इन्होंने क्रिटिसिज्म बना दिया. दूसरा है एंटी थ्योरेटिक है, क्योंकि जो थ्योरी है वो भाई वो काम ही नहीं आई. ठीक है, तो इसलिए जो एनपीए वाले लोग हैं वो उसको उसके अगेंस्ट थे, पर इसी चीज को पॉइंट कर इसको क्रिटिसाइज भी किया गया, दैट न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अपोजिंग थ्योरी. तो इस पॉइंट पे इसको क्रिटिसाइज किया गया. एंड थर्ड इज एंटी मैनेजमेंट, कि ये मैनेजमेंट के अगेंस्ट. अब यू नो, आप अपनी लाइफ से देख लीजिए, आप कितना मर्जी अच्छा काम कर लो, क्रिटिसिज्म विल ऑलवेज बी देयर. लेकिन उस टाइम में इट वॉज अ बिग थिंग कि इतने सारे लोग इकट्ठा हो पाए, अटेंशन ले पाए, ठीक है, और अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स जो है सामने रख पाए, कुछ एक थ्योरी, एक न्यू कॉन्सेप्ट सामने रख पाए, राइट. बट स्टिल क्रिटिसिज्म वॉज देयर. एक सिमिलरली कैंपबेल ने कहा है दैट इट डिफर्स फ्रॉम द ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओनली दैट इट इज रिस्पॉन्सिव टू अ डिफरेंट सेट ऑफ सोसाइटल प्रॉब्लम्स फ्रॉम दोज ऑफ द अदर पीरियड. तो कैंपबेल ने कहा कि ठीक है, इसमें कोई खास न्यू वाली बात नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि प्रॉब्लम्स जिनको सॉल्व करना है वो प्रॉब्लम बदल गई हैं, बाकी सब कुछ सेम है, राइट. उसके बाद रॉबर्ट टी कोलंबस्की ने कहा दैट रेवोल्यूशन ऑफ और रेडिकलिज्म इन वर्ड्स एंड एट बेस्ट स्टेटस क्यो इन स्किल्स और टेक्नोलॉजीज, की इन्होंने कहा कि जैसे हम देख रहे हैं कि रेवोल्यूशनरी टाइम्स थे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, रिवोल्ट करना चाह रहे थे जो न्यू स्कॉलर्स थे, तो उन्होंने कहा ये सिर्फ कहने की बात है कि कोई रेवोल्यूशन था, ठीक है, मतलब ग्राउंड पे कोई रेवोल्यूशन नहीं था, बेसिकली स्टेटस को ही था. स्टेटस को मतलब सिचुएशन वॉज सेम, सिर्फ कहने कहने की बात आई, एक टोन बदल गई थी, बट एवरीथिंग एल्स वॉज द सेम. रॉबर्ट टी कोलंबस्की ने ही कहा कि इसको फिर भी हम पार्शियल सक्सेस मान सकते हैं, कुछ थोड़ी बहुत सक्सेसफुल ये हुई. एंड मेन इसकी खास बात क्या थी, दैट इट वॉज अ रिमाइंडर, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट वॉज अ रिमाइंडर ऑफ गैप इन द फील्ड बिटवीन एस्पिरेशन एंड परफॉर्मेंस, कि इच्छाएं क्या है, एस्पायर क्या कर रहे हैं स्कॉलर्स या फिर जो सिटीजन्स हैं, और परफॉर्म कैसे कर रही है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सॉरी परफॉर्म कर रही है, उसके बीच में बहुत ज्यादा गैप है. और जो ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, ये हमें इस गैप को रिमाइंड करवाता है, राइट. सो दीज वर द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ कमिंग टू सिग्निफिकेंस, अब क्या बिल्कुल वेस्ट थी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली नॉट. तो यहाँ पे एक बार जस्ट हम क्विकली देखते हैं कि सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस क्या थी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की. सो नंबर वन, एक बार तो झटका लगा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, कि किसी ने लोगों ने इकट्ठे आए और एक बड़े लेवल पे जो है उनको चैलेंज किया, उनको क्वेश्चन किया. सो इट शुक द ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स, राइट. इट लिंक्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी में जो सिचुएशन थी उसको एडमिनिस्ट्रेशन डील नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने कहा सोसाइटी को इन्वॉल्व करो, सोसाइटी को लिंक करो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ. इट वॉज अ फाइनल ब्लो टू पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकॉटमी, ब्लो का मतलब यहाँ पे पंच. तो अभी तक जो क्लासिकल थिंकर्स थे वो कह रहे थे कि पॉलिटिक्स अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, एंड दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकॉटमी, बट ये इसके अगेंस्ट थे. कहने का मतलब
न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिजेक्टेड पॉलिटिक्स एंड एंशिएंट इकॉनमी, या फिर आप अगर आपने ड्वाइट वाल्डो पढ़ा है उसमें मैंने आपको बहुत बार जो है तो ध्यान देकर बताया है दैट ड्वाइट वाल्डो वॉज अगेंस्ट पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी, ही रिजेक्टेड पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी। अब ऑब्वियसली वही इसको लीड कर रहे हैं इस पूरी पूरी मूवमेंट को, सो इट दे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिजेक्टेड द डाइकॉटमी। कहने का मतलब है कि पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है दोनों घुले मिले हुए हैं, यू कैनॉट सेपरेट दीज फ्रॉम ईच अदर, राइट। नेक्स्ट इज पुश द सब्जेक्ट टूवर्ड्स ग्रेटर रिलेवेंस, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ग्रेटर रेलेवेंस, उसको और रेलेवेंस बनाने में इन्होंने जोर दिया, उसको धक्का दिया। नेक्स्ट इज इंटेंसिफाई द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कम्युनिटीज सेल्फ अवेयरनेस इकोलॉजिकल ओरिएंटेशन एक्टिविज्म एंड कमिटमेंट। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कम्युनिटी थी, जो स्कॉलर्स थे, ठीक है, जो थ्योरेटिशियन थे, जो थिंकर्स थे, जो अकेडमिशियन थे, जो प्रैक्टिशनर थे इवन, तो उनकी सेल्फ अवेयरनेस को इंटेंसिफाई किया। उन्होंने उनको कहा जागो, जिसे हम कहते हैं ना जागो ग्राहक जागो, ठीक है। तो ये यंग स्कॉलर्स केम इन फ्रंट एंड दे सेड जागो, क्या हो रहा है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम कर रही है, ठीक है। तो उनको जागने को कहा, उनको अवेयर किया और उनको कहा कि अपने आप अपने आसपास की जो इकोलॉजी है, जो इन्वायरमेंट है, उसको उससे सीखो, उसके हिसाब से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मोल्ड करो, उससे इन्वॉल्व हो, ठीक है। एक्टिविज्म करो, मतलब एक्टिव हो एंड कमिटेड, कमिटमेंट भी जो है जगाई। तो बेसिकली उनको जगाया कि सोते मत रहो, इतना कुछ चेंज हो रहा है, वी नीड टू एक्ट, हम ही तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। नेक्स्ट इज अवेयरनेस फॉर इंटरनल डेमोक्रेसी थ्रू जेन्युइन पार्टिसिपेशन पब्लिक पब्लिक सिस्टम्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, क्लाइंट फोकस, ठीक है। और व्हाट डज द क्लाइंट वांट, व्हाट डू द सिटीजंस वांट, व्हाट डू दे नीड, उनकी प्रायोरिटीज क्या है, तो वो कैसे पता लगेगा, जब उनको इन्वॉल्व करोगे। तो इंटरनल डेमोक्रेसी पे भी जो है इन्होंने बात करी। So this was the significance of new public administration and this was the concept of NPA. Okay, साथ साथ मैंने आपको बता दिया है ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ कहाँ से आते हैं इसमें से। Okay, now let's again here is a picture of you know Mina Brook Conference Center. Now let us discuss Mina Brook Conference 2. So it was held in September 1988. 20 years after first conference, so तीन conferences हुई हैं, तीनों के तीनों जो है मतलब 20-20 साल के gap पे होते हैं, okay? So first was in 1968, then plus 20 करोगे तो 1988, then plus 20 करोगे तो 2008, और जो next होगी it will be in 2028, right? So इसके chairman थे George Fredrickson, and the objective was to compare and contrast the changing epochs of पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो वक्त के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बदल रहा है, जो 1960s की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी और जो 1980s की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, कैसे क्या ट्रेंड रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसको डिस्कस करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, कंट्रास्ट करने के लिए जो है ये कॉन्फ्रेंस रखी गई। एम्फेसिस वॉज ऑन लीडरशिप, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल परस्पेक्टिव, ठीक है। तो लीडरशिप पे भी ध्यान दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल परस्पेक्टिव पे ध्यान दिया गया और लीगल परस्पेक्टिव पे ध्यान दिया गया। इसके जो प्रोसीडिंग्स हैं, जब ये सारा कुछ कॉन्फ्रेंस हो गई थी, तो ये पब्लिश की गई किसके अंदर, पब्लिक मैनेजमेंट इन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, एसेज इन मीना ब्रुक ट्रेडिशन, ओके। तो इस ये कंपाइलेशन का नाम है इस प्रोसीडिंग्स का, और ये किसने पब्लिश किए, किसने ये कंपाइल की, रिचर्ड मेयर एंड टिमी बेले इन 1990, ठीक है। तो प्रोसीडिंग्स इसमें आई, यहाँ से वैसे क्वेश्चन आया नहीं है, बट इट कैन बी आस्ड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकते हैं। नाउ व्हाट वर द थीम्स ऑफ मीना ब्रुक टू कॉन्फ्रेंस, या फिर हम ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हो या फिर फीचर्स कह सकते हैं, बेसिकली व्हाट वाज़ द फीचर्स, क्या खास बात थी, किन चीज़ों पर जोर था या नहीं था, वो हम देखते हैं इस स्लाइड के अंदर। सो नंबर वन वाज़ सोशल इक्विटी, जो कि हमारी न्यू फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में भी थी, तो सोशल इक्विटी पे इसका जो है फोकस था, कॉन्सेप्ट क्या है सोशल इक्विटी का, हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नंबर टू, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जैसे कि एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ऊपर भी जो है काफी ज्यादा एम्फेसिस था, जोर था मीना ब्रुक टू कॉन्फ्रेंस का। नंबर थ्री, डिबेट बिटवीन नॉर्मेटिव एंड बिहेवियरिस्ट वैल्यूज। नॉर्मेटिव की जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके में बताऊं, नॉर्मेटिव मतलब जब हम वैल्यूज की ध्यान दे रहे हो, अब बिहेवियरल की अगर हम बात करें, बिहेवियरल थ्योरी, उसमें फैक्ट्स की बात होती है, साइंटिफिक थ्योरी की बात हो रही है, तो आप सिंपल कह सकते हो सोशल साइंसेज और साइंसेज की यहाँ पे एक तरीके से बात हो रही है। ये मैं आपको बिल्कुल क्रूड लैंग्वेज में समझने के लिए बता रही हूँ, ओके। सो वैल्यूज एंड फैक्ट्स के बीच में जो है यहाँ पर डिबेट चलती रही कि वैल्यूज को इंक्लूड करें कि नहीं करें, करें तो कितना इंक्लूड करें, ठीक है, फैक्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, वैल्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है, तो डिबेट कंटिन्यूड ओवर हेयर। नंबर फोर्थ, एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन सोसाइटी एंड इन वर्क फोर्स। तो
एक डाइवर्सिटी को जो है एक्सेप्ट किया गया यहाँ पर सोसाइटी में भी और एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी. ठीक है, जब हमारी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर खाली वन फीमेल पार्टिसिपेंट वॉज देयर एंड द नंबर वॉज मच मोर इन द मीनाब्रुक टू कॉन्फ्रेंस. आई डोंट रिमेंबर द एक्जैक्ट नंबर, मतलब 10 से ज़्यादा जो थी फीमेल पार्टिसिपेंट्स थी. तो एक तो जेंडर जेंडर की चाहे डाइवर्सिटी हो या फिर इवन स्पेशलिस्ट एंड जर्नलिस्ट. ठीक है, तो वी नो जर्नलिस्ट कौन होते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर हम बात करें आईएएस ऑफिसर्स को हम जर्नलिस्ट की तरह ट्रीट करते हैं, स्पेशलिस्ट कौन से हैं जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं. तो इनके बीच में भी डाइवर्सिटी, तो चाहे वो जेंडर के बेस पे हो, चाहे वो एज ग्रुप के हिसाब से हो, चाहे वो स्पेशलिस्ट जर्नलिस्ट के हिसाब से हो, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना सोसाइटी में भी और वर्क फोर्स के अंदर भी. ठीक है, इसको हम हेट्रोजिनिटी भी बोल सकते हैं. होमोजिनिटी का मतलब होता है जब सब सेम है. ठीक है, हेट्रोजिनिटी भी हम इसको बोल सकते हैं, मतलब मिक्सचर है सब लोगों का. उसके बाद है कंस्ट्रेंड होपफुलनेस. होपफुल थे यहाँ पे जो इनके अटेंडीज थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे, देवर होपफुल ऑफ द फ्यूचर, देवर होपफुल, बट इट वॉज कंस्ट्रेंड. कंस्ट्रेंड मतलब खुल के बाहर नहीं आ रहा है. होपफुलनेस है, पॉजिटिव है, पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है. राइट, तो जो डिग्री आप कह सकते हो होपफुलनेस की, जो डिग्री है वो थोड़ी कम है. ये किसकी रिगार्डिंग बात हो रही है? ये रिगार्डिंग हो रही है प्राइवेट सेक्टर के रिगार्डिंग. ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आती है दैट गवर्नमेंट इज नो लॉन्गर सीन एज अ ट्रेन ऑन विच पीपल वॉन्ट टू राइड. ठीक है, तो जो टाइम था यहाँ पे सारा कुछ पीछे, ये 1988 में कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इस टाइम पे ना ऑलरेडी वर्ल्ड में एलपीजी रिफॉर्म स्टार्ट हो चुके थे अलग अलग कंट्रीज में. वॉट इज एलपीजी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. राइट, तो उस रिगार्ड में हम इस बात को ले सकते हैं कि इनको इतना तो समझ आ गया था कि सब लोग जो हैं एक गवर्नमेंट सेक्टर पर तो डिपेंडेंट है नहीं, और सेक्टर्स भी हैं जैसे प्राइवेट सेक्टर हमारा है, लेकिन होपफुल है, पर अब ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते कि प्राइवेट सेक्टर कैसा होगा. ठीक है, तो होपफुलनेस वॉज देयर बट इट वॉज लिटल कंस्ट्रेन. तो ये मैं आपको बहुत डिटेल में करवा रही हूँ. अब हालांकि इन पॉइंट्स से जो है क्वेश्चन आया नहीं है, बट स्टिल यू शुड नॉट नो, वी विल नॉट मिस एनीथिंग ओवर हियर. ओके, सो दिस वाज़ द न्यू थिंग इन मीनाब्रुक टू कॉन्फ्रेंस. उससे पहले वाले जो पॉइंट्स हैं वो हमने अभी तक उसमें मीनाब्रुक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में भी देखे थे, पर यहाँ पे एक नई बात जो है हमें समझ आ रही है. सेकेंडली विजन जो था नियर फ्यूचर. तो ये जो सेकेंड मीनाब्रुक कॉन्फ्रेंस हुआ, इनके पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि जो वर्ल्ड है हमारा, जो हमारे सराउंडिंग्स है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक हम लॉन्ग टर्म व्यू लेकर, एक लॉन्ग टर्म मिशन लेकर नहीं चल सकते, बिकॉज वी नेवर नो कि क्या हो जाए सिचुएशन. फॉर एग्जांपल अब कोरोना आ गया. ओके, सो कोरोना ने सारे एडमिनिस्ट्रेशन हिला दिया, सारा एजुकेशन सिस्टम हिला दिया, कितना कुछ चेंजेस कर दिया, और सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ हम ज़्यादा नहीं चल सकते. तो इनका कहना था कि बिल्कुल नियर फ्यूचर के देखो, अपने सामने देखो, और क्या हम कर सकते हैं, क्या इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू द पार्टिसिपेंट्स ऑफ मीनाब्रुक टू, आवर विजन शुड बी नियर फ्यूचर. इनका कहना था दैट अ मीनिंगफुल लॉन्ग टर्म विजन इज नीदर रीजनेबल नॉर फीजिबल. ना तो रीजनेबल है, ना तो लॉजिकल है, और पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज यू कैनॉट प्रिडिक्ट एवरीथिंग. राइट, सो दिस वॉज ऑल्सो समथिंग न्यू अबाउट मीनाब्रुक टू कॉन्फ्रेंस, जो कि पहले नहीं था. देन स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल पैरोक्यूलिज्म, नो मूड टू लूज डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी. सो वॉट इज पैरोक्यूलिज्म? इट इज, पता नहीं पैरोक्यूलिज्म होता है कि क्यूलिज्म, आई थिंक पैरोक्यूलिज्म होता है. इट मीन्स नैरोनेस. ठीक है, मतलब जब आप बिल्कुल सामने देख रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं हो. तो एक तरीके की इंटेलेक्चुअल पैरोक्यूलिज्म थी. इसका मतलब क्या है कि देखो, वी हैव स्टडीड द एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिसिप्लिन, एक सेपरेट आइडेंटिटी के लिए हमेशा से ही लड़ता रहा है या स्ट्रगल करता रहा है. तो इस टाइम पर जो हमारे इस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे थिंकर्स कह लीजिए, या फिर जो पार्टिसिपेंट स्कॉलर्स, जो भी एकेडमिशियंस थे, हालांकि ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि और सब्जेक्ट्स के भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बट दे वर नॉट रेडी टू मर्ज विद अदर सब्जेक्ट्स. दे वांटेड कि हम अपनी सब्जेक्ट की एक अलग आइडेंटिटी रखें. तो एक इंटरडिसिप्लिनरी जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया गया. ठीक है, तो ये हर चीज़ को एक एडमिनिस्ट्रेशन परस्पेक्टिव से देख रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग सब्जेक्ट की तरह देख रहे थे, बिकॉज दे वॉन्टेड कि हमारे एक डिसिप्लिन की एक अलग आइडेंटिटी हो. ठीक है, तो एक जैसे हम कहते हैं कि ब्रॉड पिक्चर जब हम देखते हैं, अगर हम स्टडी करें तो यू नो हिस्ट्री इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ इंटर रिलेटेड है अगर हम बहुत ब्रॉड पिक्चर में देखें. पर ऐसी पिक्चर जो है इन थिंकर्स ने नहीं देखी. राइट, तो दे हैड इंटेलेक्चुअल पैरोक्यूलिज्म. तो ये बहुत नैरो सोच रहे थे, बिल्कुल सीधा जैसे कहते हैं सोच रहे थे, इधर ना इधर देखना, ना उधर देखना, कि ये हमारा
हमारी बाउंड्रीज हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का एक बाउंड्री उसमें देख रहे थे, एक अलग से डिसिप्लिन की तरह देखा जा रहा था. नेक्स्ट इज एडवर्सेरियल एटीट्यूड टुवर्ड्स बिजनेस. हमें आपको पहले ही बताया था एक कंस्ट्रेंड होपफुलनेस की हमने बात की थी कि प्राइवेट सेक्टर से हम होपफुल हैं बट कंस्ट्रेंड है वो होपफुलनेस, थोड़ी सी सिमटी हुई है वो होपफुलनेस, राइट. सो क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि अभी डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट करने पर इनको ये शक था कि क्या ये जो बिजनेस अप्रोच है डेमोक्रेसी के साथ सही से चल पाएगी, बिकॉज बिजनेस का जो मेन पर्सपेक्टिव रहता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, दैट इज टू गेन प्रॉफिट. तो हम सब कुछ प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो इससे हमारी डेमोक्रेसी कहीं खतरे में तो नहीं हो जाएगी? अब देखो कितना सही सोच रहे हैं उस टाइम पे. ओके, अब हम देख रहे हैं सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है एंड द सम पीपल आर डू गेटिंग अफेक्टेड, राइट. सपोज हम जियो सिम की बात करें, स्टार्टिंग में बिल्कुल फ्री हुआ. ओके, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग ओवर हेयर, जस्ट एक परस्पेक्टिव आई एम शेयरिंग ओवर हेयर कि सपोज फ्री हुआ, लोगों को आदत पड़ गई एंड देन दे स्टार्टेड चार्जिंग. अब आगे आगे पता नहीं कितना इसका रेट जो है वो हो जाए. सो ऑल द लेट्स बी होपफुल. तो इस तरीके से जो है उन्होंने सोचा कि बिजनेस जो है, क्या हम डेमोक्रेसी को साथ, बिजनेस और डेमोक्रेसी को साथ लेके चल पाएंगे, क्या हम प्राइवेटाइजेशन और जो डेमोक्रेसी है उसको साथ साथ लेके चल पाएंगे. सो इट वॉज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स बिजनेस वॉज नॉट वेरी पॉजिटिव, राइट. नेक्स्ट इज स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर इनोवेटिव पर्सनल प्रैक्टिसेस. पर्सनल है रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्स, HR. तो HR के रिगार्डिंग जो प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो उनकी ट्रेनिंग है, चाहे वो उनकी रिक्रूटमेंट है, जो कुछ भी है, उसको हमें इनोवेट करने की जरूरत है. उसमें हमें इनोवेशन, उसमें हमें चेंजेस, इन्वेंशंस, क्रिएटिविटी लाने की जरूरत है, ठीक है. उसको हमें मॉडिफाई करने की जरूरत है, इस पर उन्होंने बहुत सारा जोर दिया. नेक्स्ट इज अनविलिंगनेस टू डील विद टेक्नोलॉजिकल इशूज. इस कॉन्फ्रेंस में टेक्नोलॉजिकल इशूज पर ध्यान नहीं देना, नहीं दिया गया. दे वर नॉट विलिंग. यार कुछ दिन की तो आप देखो कॉन्फ्रेंस होती है, राइट. आपने वहाँ का एटमोसफेयर भी देख लिया, यू नो इट हैज अ वेरी हॉलीडे फील टू इट. सो वाई वुड दे वॉन्ट टू डिस्कस इन, मतलब वो ज़्यादा डिस्कशन एक तो कर ही नहीं पाते होंगे और मेन क्रक्स से ही अब हमें समझ नहीं आ रहा क्या डिस्कस करना है. तो इन चीज़ों में वो नहीं पड़े. तो टेक्नोलॉजी के इशूज में दे डिड नॉट गेट इन टू, दे वर अनविलिंग टू डिस्कस द टेक्नोलॉजिकल इशूज, राइट. सो यू शुड नो दिस. नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिबेट वॉज स्टिल अलाइव. अभी तक इतने साल हो गए, 1988 की हम यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं. पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग हैं या फिर वो डिफरेंट हैं, ये डिबेट अभी भी चल रही थी. सो देर वॉज नो कंक्लूजन अबाउट दिस डिबेट, राइट. सो दीज वर द मेन पॉइंट्स और मेन फीचर्स ऑफ मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस 2. ओके, आई हैव डिस्कस्ड इन अ लॉट ऑफ डिटेल ओवर हियर, राइट. सो ये आपको समझ आ गया होगा. नाउ हियर इज अगेन अ पिक्चर ऑफ द लेक जो कि वहाँ पर मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस में. वन मोर थिंग कि इन मैनी बुक्स यू विल फाइंड अ कंपेरिजन बिटवीन मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस 1 एंड मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस 2. मैंने यहाँ पर जानकर वो नहीं डाला है बिकॉज आई वॉन्ट कि जब आप इसको रिवाइज करें एक बार देखने के बाद दोबारा इसको देखें, दोबारा समझें, तो आप जब अपने नोट्स बनाते हैं तो यू शुड डू दैट ऑन योर ओन. दैट उससे क्या होगा कि जब आप लिखोगे तो आपके माइंड में वो ज़्यादा जाएगा, यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज. सो आई वॉन्ट दिस, यू कैन कंसिडर दिस अ टास्क कि एक बार वीडियो देखने के बाद आप जब अपने खुद के नोट्स बनाएं, आई होप दैट यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो आप अपने नोट्स जब बनाएं तो खुद ही, मैंने सारे पॉइंट्स आपको मैंने मीनो ब्रुक 1 के बारे में बता दी है, मीनो ब्रुक 2 के बारे में बता दिए हैं, आप खुद एक छोटा सा जो है टेबल बनाएं, कंपेयर करें इनको आपस में, राइट. सो डू दिस, दिस इज एन एक्टिविटी फॉर यू और इससे क्या होगा, इट यू विल रिटेन मोर और आपको समझ ज्यादा आएगा, राइट. नाउ लेट अस कम टू मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस नंबर 3. सो दिस वॉज अगेन हेल्ड आफ्टर 20 ईयर्स फ्रॉम मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस 2. तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस से 40 साल और सेकेंड कॉन्फ्रेंस से 20 साल के बाद जो है कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई. सो इट वॉज ऑर्गेनाइज फ्रॉम सेप्टेम्बर 3 टू सेप्टेम्बर 7, 2008. उसी सेंटर पर मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस सेंटर जो है वहाँ पे हुआ. कॉर्डिनेट किसने किया? रोज मेरी ओल लियरी, ठीक है. तो ये एक प्रोफेसर थी, आई थिंक है, शायद अभी भी है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, जिन्होंने इसको चेयर किया. थीम क्या थी? थीम वॉज द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक सर्विस. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, पब्लिक मैनेजमेंट का, पब्लिक सर्विस का क्या फ्यूचर है, इसके बारे में जो थीम थी. फोकस था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिफॉर्म्स को, जिसको सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स भी कहा जाता है. सो अगर सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स आते हैं, आपको समझ आना चाहिए कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिफॉर्म्स की यहाँ पे बात हो रही है. खास बात क्या थी इस कॉन्फ्रेंस की, दैट इट वॉज कंडक्टेड इन टू फेजेस. दो फेजेस में जो है इसको कंडक्ट किया गया. उससे पहले जो फर्स्ट टू कॉन्फ्रेंसेस थी वो एक ही बार हुई, ठीक है, लेकिन इसको इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया.
ठीक है, उनके बारे में अब हम आगे देखेंगे। और उसके बाद जो उसकी प्रोसीडिंग्स थी जो भी इसमें डिस्कस हुआ, दैट वाज दीज वर पब्लिश्ड इन द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अराउंड द वर्ल्ड द मीनोब्रुक पर्सपेक्टिव व्हिच वाज कंपाइल्ड बाय रोजमेरी ओलियरी डेविड एम वॉन्स लाइक एंड सून ही किम। तो इन्होंने जो है ये पब्लिश किया जिसमें सारी प्रोसीडिंग्स थी मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस नंबर कॉन्फ्रेंस 3 की, राइट। सो नाउ लेट अस डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 3। ओके, तो क्या ऑब्जेक्टिव थे, कुछ हम स्टार्टिंग में कुछ एम लेकर चलते हैं, तो क्या थे। नंबर 1, टू एक्सचेंज नॉलेज ऑफ करंट एंड एमर्जिंग पब्लिक सर्विस चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स एंड कल्चर्स। ठीक है, करंट मतलब उस टाइम पर 2008 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पर और आने वाले टाइम में एमर्जिंग पब्लिक, तो पब्लिक सर्विस में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या सॉल्यूशंस होंगे, और वो सॉल्यूशंस और वो चैलेंजेस इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स एंड कल्चर्स। ओके, नाउ हियर आई वांट टू पॉज एंड टेल यू कि हम 2008 की बात कर रहे हैं, ये वो टाइम है जब दुनिया में ग्लोबल डिप्रेशन चल रहा था, ठीक है, इकोनॉमिक डिप्रेशन जब आया, ठीक है, उससे पहले टेररिज्म बहुत ज़्यादा था, USA पे अटैक हो चुका था, ठीक है, आपको पता ही होगा बहुत फेमस जो अटैक हुआ था। उसके बाद क्लाइमेट चेंज का जो एक सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा फोकस में था, ठीक है, तो एक कोई बहुत पीसफुल टाइम्स नहीं है 2008 की हम बात करें, राइट। तो उस टाइम पे जब ग्लोब टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है और एक वर्ल्ड में एक डिप्रेशन है, इकोनॉमिक डिप्रेशन है, तो उस टाइम पे जो कॉन्फ्रेंस होल्ड की जा रही थी और उस टाइम और LPG रिफॉर्म्स जो हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑलरेडी उस टाइम पर अच्छे से हो चुके थे, राइट, कई बहुत सारे कंट्रीज में अप्लाई हो चुके। तो अब जो है वर्ल्ड को देखा जा रहा था एज अ ग्लोबल विलेज, तो इनके जो एक अप्रोच थी वो एक ग्लोबल अप्रोच थी, इसलिए यहाँ पे मेंशन है दैट अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स एंड कल्चर्स। तो जो भी हम सॉल्यूशंस निकालें वो सॉल्यूशंस हो जो हम अलग अलग कल्चर्स में अप्लाई कर सकें, अलग अलग सेटिंग्स में अप्लाई कर सकें, राइट। सो ये मैंने आपको बैकग्राउंड समझा दिया कि जब हमने स्टार्ट किया था मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1 से 1960s में, बहुत खराब टाइम था, टर्बुलेंट टाइम्स थे, उसके बाद हम 88 में आते हैं तो टाइम्स वर फाइन, ऐसा कुछ बहुत खराब वाली बात नहीं थी, नॉर्मल टाइम्स चल रहा था, इट वाज पीसफुल, इट वाज काम, ठीक है। और इसके बाद हमने 2008 पास, तो अगेन द टाइम्स आर नॉट वेरी गुड, ठीक है, तो हालांकि कोई वॉर नहीं चल रही है लेकिन ग्लोबलाइजेशन का दौर है, टेररिज्म है, क्लाइमेट जो है हमारा खराब हो रहा है, क्लाइमेट चेंजेस की जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस टाइम पे वो बहुत प्रोमिनेंट इशू था, आज भी है प्रोमिनेंट इशू, ठीक है। तो इस टाइम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या था, डेवलप अ नेटवर्क ऑफ स्कॉलर्स टू सपोर्ट फ्यूचर कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज कंसर्निंग इंप्रूवमेंट्स इन पब्लिक सर्विस, ठीक है। तो अब एक नेटवर्क डेवलप करना स्कॉलर्स का ताकि वो आपस में कोलैबोरेट कर सके, साथ आ सके, ताकि जो कोई अगर आइडियाज एक्सचेंज करने हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिया का स्कॉलर है तो कोई USA का स्कॉलर है, कोई मिडल ईस्ट का स्कॉलर है, तो वो अपने अपने यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस है, अपने आइडियाज जो हैं वो शेयर कर सके, कैसे हम पब्लिक सर्विस को इम्प्रूव कर सकते। तो आप देख रहे हैं पब्लिक सर्विस वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, तो सर्विस का जो आइडिया है वो सामने आ रहा था, ठीक है, एक सर्व करने का जो आइडिया है वो सामने आ रहा था। नंबर 3, टू डिसेमिनेट द बेस्ट पेपर्स प्रेजेंटेड एट द कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे प्रेजेंटेड आएगा, एट द कॉन्फ्रेंस एज अ स्पेशली एडिटेड रीडर फॉर कोर्सेज इन स्कूल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट अराउंड द वर्ल्ड। तो उस टाइम पे जो भी पेपर्स प्रेजेंट किए उसमें से जो भी बेस्ट पेपर्स होंगे उनको कंपाइल करना और एक एसेंशियल रीडिंग बनाना, कहाँ पे जो पब्लिक पॉलिसी या मैनेजमेंट के स्कूल्स हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, वहाँ पे उनको पढ़ाया जाए, जो भी बेस्ट पेपर्स यहाँ पे प्रेजेंट किए जाएंगे, ताकि जो फ्यूचर स्कॉलर्स हैं वो उनको पता हो कि क्या डिस्कशंस हुई, क्या वहाँ पे आइडियाज हैं और वो उसे सीख सकें, राइट। दीज आर द 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 3rd मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। नाउ लेट अस कम टू द फर्स्ट फेज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 3rd मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस थी, इट वॉज हेल्ड इन 2 फेजेस, राइट, फेज 1 एंड फेज 2। तो फेज 1 वॉज कंडक्टेड फ्रॉम 3rd to 5th September 2008 एंड द सेकेंड फेज वॉज कंडक्टेड फ्रॉम 6th to 7th of September 2008। फेज 1 में क्या था कि यंग जो स्कॉलर्स थे, जो बहुत इस्टेब्लिश नहीं हैं, अभी अभी स्कॉलर्स बने हैं या फिर काफ़ी न्यू हैं अभी फील्ड में, एमर्जिंग स्कॉलर्स जो हैं, 56 स्कॉलर्स वर देयर और उनको बोला गया प्रेजेंटेशंस दो। प्रेजेंटेशंस किस चीज़ पर दो, एनालिसिस, क्रिटिक दो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिटिक मतलब इवेल्युएशन, ठीक है, एनालिसिस कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ दे डूइंग, राइट। तो उन्होंने
कुछ स्कॉलर्स ने जो है प्रेजेंटेशन दी, और उन प्रेजेंटेशन से कुछ कंसर्न सामने आए, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज जो हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कि जिस पर ध्यान देना चाहिए, वो चीज़ें सामने आई। तो वो एरियाज ऑफ कंसर्न जो सामने आए, ठीक है, हमारे फर्स्ट फेज के अंदर, वो कौन कौन से थे? नंबर वन, अकेडमिक प्रैक्टिशनर रिलेशंस, ठीक है, तो अकेडमिक जो स्टडी कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को और जो फील्ड पर प्रैक्टिस कर रहा है इनके बीच के रिलेशंस। नंबर टू, डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है, डेमोक्रेसी में परफॉर्मेंस को मैनेज करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस को मेजर करना, यहाँ पे है मैनेजमेंट, इधर है मेजरमेंट, ओके। देन ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, एज आई टोल्ड यू कि एलपीजी रिफॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके थे, ग्लोबल पर्सपेक्टिव से सब कुछ देखा जा रहा था, तो ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को डिस्कस करना। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स एंड वैल्यूज, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एथिक्स क्या होने चाहिए, क्या वैल्यूज होने चाहिए, कितनी होने चाहिए, कैसे इनको प्रमोट किया करा जाए, जस्टिस, इसके अलावा लीडरशिप, सोशल इक्विटी, ये सब भी इसमें इन्वॉल्व थे, ओके। ये मैंने अलग से जो है वैल्यूज यहाँ पर मैंशन नहीं करी हैं। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, एंड देन मेथडोलॉजी एंड इंटर डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। नाउ इन मीनोब्रुक टू, आपको याद हो मैंने पेरोक्लिज्म की बात की थी, राइट, तो एक सेपरेट डिसिप्लिन की तरह देख रहे थे अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, बट इन मीनोब्रुक थर्ड कॉन्फ्रेंस एक इंटर डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव वॉज डेवलप्ड, ओके। तो यहाँ से आप डिफरेंस भी समझ सकते हैं बिटवीन टू एंड थ्री। तो ये कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न है जो कि निकल के आए फ्रॉम द क्रिटिक्स प्रेजेंटेड बाय द यंग इमर्जिंग स्कॉलर। सो दिस वाज ऑल अबाउट फेज वन। अब फेज टू में क्या हुआ, प्रेजेंटेशंस हो चुकी हैं, अब इन पर डिस्कशंस हुए कि मेन सेकंड फेज के अंदर जो मेन स्कॉलर्स थे, जो एस्टैब्लिश्ड एकेडमिशियंस थे, थिंकर्स थे, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया कॉन्फ्रेंस को, और फिर डिस्कशंस हुई। तो अब प्रेजेंटेशंस नहीं हो रहे हैं, राउंड टेबल डिस्कशंस हो रहे हैं सेकेंड फेज के अंदर, राइट। सो दिस वॉज सेकेंड फेज वॉज हेल्ड फ्रॉम 6 to 7 September, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो ये नॉर्मल एक ट्रेडिशनल जैसे कॉन्फ्रेंस होती है, टेबल है, उसके अराउंड स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फॉर्मेट ऐसा था। 220 attendees, 220 participants थे फ्रॉम 13 countries, 13 countries यहाँ पे आए हुए थे। और एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे एड्रेस किया गया, एक जो मुद्दे की बात थी वो ये थी, उन्होंने कहा दैट ह्यूमैनिटी इज लिविंग इन डार्क टाइम्स, ठीक है, अंधेरे दौर से जो है ह्यूमैनिटी गुजर रही थी, वॉर हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक कैलमिटी है, एज आई टोल्ड यू कि डिप्रेशन का टाइम था। सो डज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैव द गवर्नेंस कैपेसिटी, क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास गवर्नेंस कैपेसिटी है, एबिलिटी है टू एड्रेस इफेक्टिवली द प्रॉब्लम्स, टू एड्रेस इफेक्टिवली द सीमिंगली इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम्स दैट करेक्टराइज डार्क टाइम्स। जो प्रॉब्लम्स हमें दिख रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स जो दिख रही हैं, तो क्या इनको एड्रेस करने की क्षमता, गवर्नेंस क्षमता, कैपेबिलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे NPA के टाइम में, फर्स्ट मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में, जो आसपास की जो सिचुएशन थी उसको एड्रेस करने की कोशिश हो रही थी, ठीक है, उन्होंने कहा गया कि उसको एड्रेस करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, इट शुड बी रेलिवेंट। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि रेलिवेंट तो तब होगी, क्या हमारे पास वो कैपेबिलिटी है भी कि हम आसपास की सिचुएशन है उसको डील कर पाएं, ठीक है, उस उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं, तो डू वी हैव दैट कैपेबिलिटी। सो दिस वाज द अंडरलाइन क्वेश्चन, डिस्कशन का मेन मुद्दा जो था वो ये है था, ठीक है, ये आपको समझ आ गया सारा बैकग्राउंड। अब आउटकम्स क्या निकले थर्ड मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस की, तो रिजल्ट्स क्या निकले, इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, तो अगर हम देखें ज़्यादा तो देखो रिजल्ट नहीं निकल के आया, ओके, क्योंकि थोड़े से दिन की कॉन्फ्रेंस होती है, फिर उसमें वो रिलैक्स भी करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और इतना कुछ, इतना डिटेल, इतनी गहरी बात डिस्कस करनी है और सारी प्रेजेंटेशंस भी लेनी है, फिर डिस्कशन भी करनी है, तो इतना टाइम ही नहीं होता। तो बहुत, अगर हम कहें कि बहुत सॉलिड कुछ निकल के आया हो, तो वो नहीं निकल के आया, बट वी कैन सी द आउटकम्स और रिजल्ट्स इन थ्री हेडिंग्स। नंबर वन, देयर वाज एम्फेसिस ऑन कंपैरेटिव स्टडीज, ठीक है, तो खाली यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के कुछ नहीं होगा, एक कंपैरेटिव स्टडीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया इन थर्ड मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडीज, डिफरेंट एरियाज की हमें स्टडीज करनी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस है, किसी ने कोई प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व किया तो वो शेयर की जाए, सो कंपैरेटिव स्टडीज पर बहुत ज्यादा फोकस दिया गया। नंबर टू, एक्शन रिसर्च एंड मेथोडोलॉजिकल प्लूरिज्म, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए, और ऐसे नहीं कि कोई भी रिसर्च, जैसे हम देखते हैं हर कोई PhD कर जा रहा है, ओके, तो कोई भी टॉपिक उठाओ PhD करो, नो, नॉट लाइक दैट, उससे कोई फायदा नहीं होगा। एक्शन रिसर्च, व्हाट इज एक्शन रिसर्च,
एक्चुअल रिसर्च वो है जो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जिसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू हो, उस रिसर्च को आपने निकाला, कुछ कंक्लूजन निकाला जिसको हम अप्लाई कर सकें. ओके, सो इट इज नॉट जस्ट रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, खाली नाम के लिए आपने रिसर्च कर दी, दैट ये वो रियल रिसर्च नहीं है. एक्शन रिसर्च, जिससे हम एक्शन ले सकें, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें एडमिनिस्ट्रेशन की, उस रिसर्च को प्रमोट किया जाए. एंड मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म का मतलब होता है जब कोई चीज प्लूरल है, एक से ज्यादा है. ओके, समथिंग विच इज मोर देन वन. मेथोडोलॉजिकल, सो अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स डेवलप की जाएं, ठीक है, रिसर्च करने की भी, और रिसर्च रिसर्च करने की भी, रिसर्च को इफेक्टिव बनाने की भी, और एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाने की भी. तो और कोई एक तरीका नहीं है रिसर्च को अच्छा करने का या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करने का. तो मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म की बात करिए, मतलब एक से ज़्यादा तरीके भी हो सकते हैं, हम मल्टीपल टूल्स को डेवलप करें, ठीक है, फॉर इफेक्टिव रिसर्च एंड फॉर मेकिंग अवर एडमिनिस्ट्रेशन बेटर. सो प्लूरलिज्म, मेथडोलॉजी को प्लूरल किया, मतलब एक ही कोई, जैसे टेलर ने कहा था वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग, तो ऐसे वन बेस्ट वे को लेकर ये नहीं चल रहे हैं, ठीक है, मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, एक से ज़्यादा तरीके भी हो सकते हैं. नंबर थ्री, एक न्यू डेफिनेशन दी गई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा से डिफाइन किया गया, एंड दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन एग्जाम में, डेफिनेशन पूछी जा चुकी है. सो इट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सोशली एम्बेडेड प्रोसेस, मतलब इसमें सोसाइटी इंक्लूडेड है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सोशली रेलिवेंट होना पड़ेगा, या आपको सिंपली से बता रही हूँ. सो इट ऐसा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन कह दे कि हमारा कोई लेन देन ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस इन द सोसाइटी, तो ऐसा नहीं होगा. सो इट इज अ सोशली एम्बेडेड प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव रिलेशनशिप्स, डायलॉग एंड एक्शन, ठीक है. सो इट इज अ प्रोसेस विच इज सोशली एम्बेडेड, मतलब इट इज एम्बेडेड, इट इज included in the society, and it includes relationships, collective relationships, it includes dialogue, it includes communication, and it includes action. किसके लिए ये relationships, ये dialogue, ये communication, ये action किसके लिए है? To promote human flourishing for all. सभी लोग जो हैं flourish करें, सारे के सारे. ऐसा नहीं कि एक particular section जो है flourish कर रहा है और एक नहीं कर रहा, ठीक है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. So this was the new definition of public administration which was given in the third Minnebrook conference. Okay, sir. This was all about the three conferences. बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने जो है इसको इस लेसन में किया है. Now here is another slide for you. जो तीन chairperson, chairman थे या chairpersons थे conferences के, उनको मैंने यहाँ पे show किया है. First is Dwight Waldo who headed the first conference. Then it is H. George Fredrickson who organized the second conference, and Rosemary O'Leary who coordinated the थर्ड मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस. ओके, सो इट वॉज दिस वॉज ऑल अबाउट द मीनोब्रुक परस्पेक्टिव. ठीक है, तो हमने तीनों के तीनों कॉन्फ्रेंसेज कर ली हैं, हमने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया है. अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो क्वेश्चन ज़्यादा क्रोनोलॉजी पे आता है, लैंडमार्क्स की. ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हनी रिपोर्ट है, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस है, या फिर इनके चेयरमैन पे आ सकता है. ऐसा आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस वन, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस टू. ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपको दी होंगी. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये बुक किसने लिखी, ठीक है, ये पब्लिश किसने कर, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं, और वो सारा का सारा यहाँ पे इस वीडियो में कवर हो चुका है. राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू गॉट अ गुड क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द मीनोब्रुक पर्सपेक्टिव, एंड आई होप दैट यू आर कीपिंग वेरी सेफ. आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल. And I will be soon with the next lesson. Till then, stay tuned and keep preparing hard and keep preparing smart. Take care.